कोलकाता के ग्रीस पार्क में रेखा शर्मा के तत्वावधान में हाथ रिक्शा चालकों को लुंगी गंजी खाना फ्री में बांटा गया। इस मौके पर जोरासाकू की विधायिका स्मिता बख्शी, जोरासाकू के पूर्व विधायक संजय बख्शी, ऑल इंडिया तृणमूल यूथ कांग्रेस के सचिव सौम्य बख्शी एवं सचिन त्रिपाठी पोस्ता थाना के इंचार्ज उपस्थित थे। सभी लोगों को रेखा शर्मा ने उतरियों पहनाकर सम्मानित किया। इस मौके पर संजय बख्शी ने कहा, दिल्ली, बॉम्बे, पटना, कहीं पर भी जाओ, कहीं पर भी रिक्शा चालकों को सम्मान नहीं मिलता है, केवल बंगाल में ही सम्मान मिलता है। यहाँ पर कोई भी रिक्शा वाला को धक्का लगता है तो कोई भी उठाकर हॉस्पिटल ले जाता है, जो धक्का मारता है उसे पकड़ा जाता है, लेकिन दूसरे राज्यों में कहीं नहीं होता है। हमेशा उन्होंने एक बहुत बड़ा मुंह पहना के सम्मान करेंगी, और ताकि दीनाश्री को रेखा नेरीवाल पहना रही हैं, पवन जी को भी रेखा नेरीवाल पहना रही हैं। सॉरी, मेरे वॉलंटियर सब उधर हैं, इसीलिए सबको एक काम करना पड़ रहा है। एक आदमी जिसको हम लोग छोड़ना नहीं चाहेंगे, पोस्ता थाना के जो ऑफिसर्स, थैंक यू, एज वी बिलीव हो सकता है, और बंगाल का सैन्य ममता बनर्जी का तत्वावधान में प्रेरणा से हो सकता है। ये बंगाल में, दूसरा कोई राज्य में ये सब काम नहीं हो सकता है, दूसरा कोई स्टेट में और दूसरा कोई महानगर में भी ऐसा काम नहीं हो सकता है। अभी जो ऐसा काम किया है उनको हम तो सतीश जी का नाम पहले बोले गए, रेखा शर्मा जी को विधायक स्मिता बख्शी जी उत्तरीय बना करके इनको आशीर्वाद प्रदान करेंगे। उत्तरियों पहना के स्वागत करें मेरे भैया संजय बख्शी जी, थैंक यू, थैंक यू। नाउ यहाँ उपस्थित है सतीश शर्मा जी, संजय उपाध्याय जी, विधायक चार नंबर बोरो कमेटी के कोऑर्डिनेटर स्मिता बख्शी जी, सचिन त्रिपाठी उपस्थित है, पवन शर्मा उपस्थित है, राजकुमार बैद जी उपस्थित है, सुभाष शर्मा जी, देवेंद्र सिंह जी, और इतना तो नाम नहीं जानते, एक रेखा जी को जानते हैं, प्रोफेसर रेखा जी, संतोष डॉक्टर, तो तमाम हमारा रिक्शा चालक, रिक्शा चलाने वाला भाई यहाँ पर उपस्थित है, और हमारा महिला साथीगण यहाँ उपस्थित है। मैं थोड़ा हिंदी में बोल दे आप लोगों को फिर बात प्रदान करना चाहता हूं। ये वास्तव में ये रिक्शा वाला को एक दिन, उसमें कोई फायदा नहीं होता है, एक दिन कुछ टोकन खाना दे, लुंगी दे, कुछ भी करे, उन लोग को मदद थोड़ा सा भी हो, मदद करे, वो भी बहुत जरूरत है। हम लोग देखे थे कोरोना में जिस तरीका से विश्व के अंदर में हम लोग को बिछड़ दिया, हम लोग को खत्म कर दिया, एक कितना दूरी कर दिया, तो उसका बाद में भी देखे थे विभिन्न संस्था, और अभी तो हम एक ही बात को ऐलान करते हर टाइम, ये टाटा बिल्डा अंबानी आदानी सादानी से लेकर के रास्ता का भिखारी तक कोई शांति में नहीं है, और किसी को लुस्कान से लुस्कान हुआ, कभी फायदा नहीं हुआ। तो इस तरीके से जो रेखा जी ने एक काम किया, रेखा शर्मा जी ने, इसका हम उनका पूरा टीम को बधाई देना चाहता है, धन्यवाद देना चाहता हूँ, भविष्य में और बड़ा रूप से ऐसा काम आप कर सके, भगवान से ईश्वर से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आपको शक्ति दे,
इसी तरीके से आप आम जनता के हित के लिए काम करें। जो बात आप बोलना चाहता हूं, हम बहुत जगह में गया, बहुत राज्य में गया, कोई जगह में इस तरीका से बंबई का शहर बोलिए और बिहार का पटना बोलिए, इस तरीका से रिक्शा वाला भाई लोग को बुला करके कलकत्ता महानगरी का ग्रीस पार्क में इस तरीका से उसको आगे बढ़ाने का लिए उसका संग में हम लोग हैं। ये बोलने के लिए, ये ऐलान करने के लिए ये कलकत्ता महानगरी में संभव है। और संभव इसलिए है, 2011 का पहले संभव नहीं होता था, 2011 का बाद में संभव हुआ। यहाँ पर क्या जानते हैं, हम लोग देखते हैं, दिल्ली में जाते हैं देखते हैं, गाड़ी में बैठ के जा रहा है, एक गाड़ी जोर से एक स्कूटर वाला को मार के चला गया, स्कूटर वाला को उठाने वाला कोई नहीं है। ये कलकत्ता महानगरी में हो, एक रिक्शा वाला को, ठेला वाला को भी कोई मार के चला जाता गाड़ी, रिक्शा वाला को पकड़ के हॉस्पिटल में ले जाना, गाड़ी वाला को रोकने वाला ऐसा करता है यहाँ पर। ये है कलकत्ता महानगरी, यहीं पर संभव है। ये पर यहाँ पर भेदभाव नहीं है। हम लोग जानते हैं लॉजिस्टिक कंपनी में सतीश शर्मा क्या है, रेखा शर्मा जी क्या है, मगर वो लोग आप लोग के बीच में आ करके आप लोग को पास में रह करके आप लोग को उत्साह देते हुए आप लोग को पास में रहने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। ये सोचने की विचार है, राजनीति इस तरीके से होता नहीं। हम लोग इतना सोचते हैं, अगर समाज सेवा में हम लोग नहीं रहेंगे हमारा राजनीतिक अधूरा रह जाएंगे, राजनीति नहीं होगा। हमारा राजनीतिक होगा तभी हम आगे बढ़ेंगे, तभी आम जनता के लिए हित के लिए काम करने पड़ेगा, तभी मेरा राजनीति रहता है। अभी बोलने का आवश्यकता है, रिक्शा वाला भाई लोग अभी यहाँ पर है, हमको बहुत याद है। अभी तो ग्रीस पर्गंचल में हम लोग कभी देखते हैं 100-100 रिक्शा यहाँ पर खड़ा है, कोई रिक्शा वाला नहीं है, उसको जुगाड़ में है, कोई ऐसा नहीं है जो सब रिक्शा वाला। थैंक यू सर, थैंक यू। रिक्शा वाला लोग को कुछ अनुदान देने के लिए ये रेखा शर्मा जी का तत्वावधान में, सतीश शर्मा जी उसका संग में है, तभी ये प्रोग्राम रेखा जी कर सकते हैं। मेरा पूर्ववर्त ने बकरा सा बोल दिया, संजय बख्शी जी भी बोला है, संजय उपाध्याय जी भी बोला है, लेकिन लास्ट में माइक पकड़ा तो वक्तृता तो नहीं दूंगा, थोड़ा बहुत बोलना चाहिए, इसलिए मैं बोल रहा है। या मंच में उपस्थित है सिटी केबिल का कर्णधार तिनकोड़ी जी, उपस्थित संजय बख्शी जी, संजय उपाध्याय जी है, सोमो बख्शी उपस्थित है, सचिन त्रिपाठी है, राजकुमार बैस उपस्थित है, पवन शर्मा, सुभाष शर्मा जी, देवेंद्र सिंह जी, जिनका तत्वावधान में आज ये रिक्शा वाला लोग यहाँ पर उपस्थित किया गया है। काली बाबू वो हर टाइम पोस्ता थाना में लगा रहता है। अरे मेरा पूर्ववक्त बत्ता बोल रहे थे जे ये टाना रिक्शा जैसे हम लोग का ये बड़ा बाजार अंचल में है और उधर धर्मतल्ला अंचल में भी कुछ है और कलकत्ता का बहुत जगह में हम देखता है जो साइकिल रिक्शा है। देखिए हम लोग का राजनीति करता है, राजनीति का संग संग हम लोग का जो नेत्री जिसका आदर्शों में हम लोग राजनीति करते हैं, वो बंगाल का माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक बात सिखाते हैं जो पूरा साल वोट का राजनीति मत करो, आम जनता का सुख दुख में संग में रहकर काम करने का लिए तैयार रहो, तभी देखना अपना राजनीति में भी आगे बढ़ोगे, कुछ काम से भी आगे बढ़ोगे। आज ये जो रेखा शर्मा जी ये काम कर रहे, हम देखते थे पहले काकुड़गाछी मानिक तल्ला का साइड में भी काम होता है, 3 साल पहले तिनकोड़ी बाबू हम लोग से मिलाया था रेखा शर्मा जी को, तब से रेखा जी बोल रहे थे कभी मौका आए तो यहाँ पर भी कुछ काम करे, तो आज तो ये सबसे बड़ा बात है, हम लोग का पूरा विश्व में सब कोई को ग्रास करने का लिए तैयार है, करुणा नाम का रसूल उसका संग लड़ने के लिए बंगाल का माननीय मुख्यमंत्री जिस तरह से आम जनता का संग को संग में लेकर लड़ाई कर रहे, उसी टाइम में जो पूजा का पहले इतना अच्छा
एक तो काम करने का लिए रेखा जी हम लोग का ये जगह चुना है, ये तो बहुत खुशी का बात है। मैं चाहती हूँ आप लोग ये संस्था से, आपका जो पूरा टीम है, डॉक्टर संतोष है, रेखा जी भी है, और आप लोग इसी तरह से मानव सेवा का काम में ये जगह में कभी सोचिए तो आगे काम भी आप लोग करने के लिए तैयार रहिए। मैं आप लोग का संग में रहने के लिए तैयार हूँ। सब कोई अच्छा रहिए, ये दुर्गा पूजा आ रहा है, माँ से हम लोग का एक ही प्रार्थना है, ये कोरोना नाम का असुर से हम लोग को लड़ाई करने का शक्ति दे। सब कोई अच्छा रहिए, शांति से रहिए, पूजा सब कोई को अच्छा से कटे। नमस्कार। अनुष्ठान हमारे रिक्शा वाला भाई लोग यहाँ पे उपस्थित है। देखिए दुर्गा पूजा का समय आ चुका है और आप लोग सभी जानते हैं कि हम लोग बंगाली कौन है या नॉन बंगाली कौन है, यूपी बिहार कहीं से भी आए, लेकिन बंगाल का जो सबसे बड़ा उत्सव, सबसे बड़ा फेस्टिवल है वो है दुर्गा पूजा। और ये दुर्गा पूजा में हम लोग 8 साल से लेकर 80 साल तक सभी को एक ही तरीके से शामिल होते हैं। और ये दुर्गा पूजा अभी आने वाले है, चाहे तो और 10-12 दिन ही बाकी है। और इस समय आप लोग के मुंह में थोड़ा हंसी फुटाने के लिए, आनंद देने के लिए रेखा शर्मा जी का जो ये प्रयास, मैं उनको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ। मैं राजनीतिक वक्तव्य नहीं रखूँगा, लेकिन और ये राजनीतिक मंच है भी नहीं, हमारे पूर्ववर्ती वक्ताओं लोग सामाजिक दिशा दिखा के आप लोग को समझाए हैं कि इस वक्तव्य के माध्यम से यहाँ की परिस्थिति को समझाए है। और यही बात हम लोग सभी जानते हैं कि हमारे पश्चिम बंगाल में एक ऐसा नेत्री, एक ऐसा मुख्यमंत्री है जो कि जाति भेद आवाम के बीच भाईचारा बना के रखने के लिए ये जाति भेद नहीं करते हैं। हम लोग जैसे ये बंगाल, ये हम दुर्गा पूजा के बात बोल रहे थे, ये दुर्गा पूजा के समय जैसे ये बंगाल का, बंगाली लोग का, बंगाल का जो फेस्टिवल ये है, उसी तरीके से देखिएगा दुर्गा पूजा के 15 दिन बाद जब दिवाली आएंगे, जब दीपावली आएंगे, तो उस समय ये दिवाली हम लोग जानते हैं कि लक्ष्मी गणेश का पूजा, बंगाली लोग जैसे काली पूजा करते हैं, नॉन बंगाली लोग लक्ष्मी गणेश का पूजा करते हैं दिवाली के दिन। आप लोग चाहे राजस्थान का हो, चाहे बिहार का हो, चाहे यूपी का हो, चाहे पंजाब का हो, चाहे दिल्ली का हो, चाहे गुजरात का हो, लेकिन बंगाल में ये दिवाली भी उसी तरीके से मनाया जाता है जैसे बाकी राज्य में जहाँ नॉन बंगाली लोग ज़्यादा रहते हैं। फिर उसी तरीके से देखिएगा आप लोग का जो सबसे बड़ा उत्सव है जो छठ पूजा है, वो छठ पूजा के समय देखिएगा ये बंगा, ये पोस्ता का घाट, गंगा किनारा, पोस्ता, ये सब अंचल बिहार यूपी या झारखंड से कोई अंश में कम नहीं रहता है। हमारा कलकत्ता उस दिन छठ पूजा के 2 दिन छोटा बिहार में परिणत हो जाता है। तो यही कारण है हम लोग एक संग पश्चिम बंगाल का जो संस्कृति, पश्चिम बंगाल का जो ऐतिह्य है, उसको एक संग रख के हम लोग हर जाति हर धर्म हम लोग भाईचारा मना के चलते हैं। और हमारे मुख्यमंत्री एक बात ये भी बोलते हैं कि उत्सव अलग अलग हो सकता है, धर्म अलग अलग हो सकता है, लेकिन उत्सव सबका एक है। तो आप यही बात, बहुत ही स्वागत करती हूँ। सबसे पहले ये अपने काम छोड़कर आज मेरे लिए समय निकाले हैं, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। दूसरा, मैं सबसे ज़्यादा संजय दादा का शुक्रिया अदा करती हूँ कि हर काम में मेरा साथ दिया। मैं तो अकेली थी, और डॉक्टर संतोष जो हर समय, बस एक छोटी सी बात की, हम लोग ऐसे ही एक दिन रात को निकले थे कुमार टूबे की तरफ, एक रिक्शा वाले को मैंने रोका, भैया रुक, तो भागने लगा और कांपने लगा। मैंने कहा क्यों कांप रहे हो, तो कुछ नहीं, मैंने कहा इतनी दौड़ते हो, चप्पल क्यों नहीं पहना, तो बोलता है बहन अगर चप्पल पहनेंगे तो दौड़ नहीं पाएंगे, पैर में जितनी धूप लगेगी उतना तेज हम भागते हैं। उसी वक्त मैंने संतोष से कहा कि संतोष कुछ चल करते हैं, बोली चल करते हैं, साथ देगी तो बोली हर चीज में साथ, ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए, क्योंकि बहुत समय हो चुका है। आज सब आप लोग अपना काम छोड़कर मेरे लिए आए हैं, हम भी बिहार के हैं, तो सब मेरे बिहारी भाई लोग हाथ उठा के, और कोई भी आज जाए नहीं, अपना अपना कूपन दे, देखे सबके लिए थोड़ा थोड़ा गिफ्ट है। 3 ऐसे बड़े कूपन है जिनको मैंने बड़ा 51,000, 5,100 रुपया 3 कूपन निकाले हैं। अब देखते हैं किसकी किस्मत में क्या आता है। तो आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग जाए ना, और यहाँ मंच पर बैठे मैं सभी का अभिनंदन करती हूँ, किसी का भी नाम ना पुकारते हुए, समय का सदुपयोग करते हुए, और कोरोना के इस काल में आप लोग सबके लिए खाने का भी इंतजाम किया गया है। धन्यवाद आप लोग आए, सभी भाइयों सभी बहनों का, और हमारे जितने भी नेतागण हैं उनको मेरा प्रणाम।
कोई अगर गलती होगी तो मुझे माफ कीजिएगा। वॉलंटियर्स ऊपर आ जाओ जरा, वॉलंटियर्स ऊपर आइए प्लीज। खावा? अच्छा, वहां से खाना मिल रहा है क्या? अच्छा, वेरी गुड। इसलिए नाम जरूर लिख दीजिएगा, सबका नाम लिखा हुआ है ना? वहाँ दाहिने तरफ, दाहिने तरफ जाओ। कोई रोको, भैया लोग बैठ जाइए, बाइक नहीं ना हो। श्री रेखा शर्मा, जे रिक्शा चालक दे निये जे उद्योगता निलो, आपने अगर उपस्थित हुए चेन माननीय अतिथि हिसाब से की बोल दें? অসাধ্য সাধন করা রেখা শর্মা করেছেন, কিন্তু এটা সম্ভব হয়েছে কলকাতা মহানগরীতে, সম্ভব ভারতবর্ষের আর কোনো শহরে এই জিনিস আপনি দেখতে পাবেন না, এই জিনিস করতে পারবেন না। আজকে এই জন্য প্রথমেই আমি রাজনৈতিকভাবে, সামাজিকভাবে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাই। এখানে গরিব আমির কোনো ভেদাভেদ নেই। রেখা শর্মা এনাদের একটা লজিস্টিক কোম্পানি আছে, যেখান থেকে কিছু গরিবদের সাথে এরা কাজ করেন। সতীশ শর্মাজি আছেন, রেখা শর্মাজি আছেন, তবে আমরা অভিভূত যে এরকম একটা কর্মসূচি গত পাঁচ মাসে আমি রাজনৈতিকভাবে, সামাজিকভাবে যেখানেই বক্তব্য রাখি বলি যে টাটা বিটা থেকে সাদানি আম্বানি থেকে শুরু করে রাস্তার ভিখারি পর্যন্ত এই করোনার গ্রাসে গ্রাস করেছে করোনা। এই অবস্থার মধ্যে দিয়ে আজকে মনে করুন যে রিক্সাওয়ালা এখানে নট এ ম্যাটার, 1300 জন রিক্সা চালককে এখানে নিয়ে তাদেরকে হয়তো চিরদিন খাওয়াতে পারবে না, কিন্তু একদিন তাদেরকে খাওয়া দেওয়া এবং সঙ্গে তাদের কিছু পরিধান সামগ্রী দেওয়া এবং সর্বোপরি তাদের মধ্যে থেকে একটা লটারির ব্যবস্থা করা, এটা এই কর্মসূচি আমরা যারা রাজনীতি করি আমাদের সকলকে অভিনীত করেছি। এখানে নিতা বক্সী বিধায়ক থেকে শুরু করে সিটি কেবলের কর্ণধার রেখাজিও আছে এবং সর্বোপরি আছেন এখানে আমার রাজনৈতিক সহকর্মী বন্ধু, সামাজিক কেন্দ্রবিন্দুতে যারা যুক্ত তাদের মধ্যে অনেকেই এখানে উপস্থিত আছেন। একটা অভিভূত কর্মসূচি এবং কলকাতা শহরে রিক্সাওয়ালাদেরকে যে খাইয়ে দাইয়ে তাদেরকে সম্বোধিত করা, এটা একটা নতুন দিক নির্ণয় করবে। আর এটা তো স্বাভাবিক, আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেন যে যে হোক সকলকে, যেরকম প্রথমেই উনি একবার বলেছিলেন 3 বছর আগে যে রক্তের অভাবে কেউ যেন না মরে, রক্ত রক্ত মানুষ মরবে কিন্তু রক্তের অভাবে কেউ যেন না মরে। আর তারপরে এই করোনা আসাতে উনি প্রস্তাব অঞ্চলে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন কোনো গরিব কোনো ভিকারি যেন না খেতে না পায় এরকম অবস্থা হোক। এই অবস্থার মধ্যে রেখাজি আর একটা নতুন মাত্রা জুগিয়েছেন এখানে, সেই মাত্রা জুগিয়ে যে কর্মসূচি করেছেন ভবিষ্যতে আরও বড় ব্যাপক কর্মসূচি করতে পারবেন। এবং রিক্সা থাকবে, রিক্সা একটা আমি দেখি বিভিন্ন সময়ে, কোনো সময় যায় চারদিকে দেখি তারা সেখানে দেখি যে করে রিক্সাতে ফরেনার লোক ওই রকম রিক্সাতে ঘুরছে, ফরেনাররা রিক্সাতে উপভোগ করছে, অনুভব করছে। হ্যালো, আপলোক যারা শান্তি বনায় রাখে, আজকে যে রিক্সাওয়ালাদের নিয়ে প্রোগ্রাম, আমি রেখা শর্মাজির কাছে জায়গাটা বেছে নিয়েছি। টানা রিক্সার প্রয়োজনীয়তা আছে, পুরনো সরু সরু গলি বড় বাজারের মালপত্র রেডিক ওদিক করার জন্য, এবং এখানে অনেক নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের বর, তাদেরও ডাক্তারখানা যাওয়া, এখান ওখান যাওয়া, এগুলো তাদেরকে নিয়েও যে কোনো কিছু কাজ করা যায়, এটা রেখা শর্মাজি। আচ্ছা, ভলেন্টিয়ার সে অনুরোধ কিয়া জা রাহা হ্যায়, আপ লোগ সমঝা কে, উন লোগো কো সমঝা কে,
लाइन में लगवाइए, किसी को भी झटका मत दीजिए, सब आज का अतिथि है। इन लोगों का ये प्रोग्राम किया जा रहा है, वो आज का अतिथि इन लोग है। इन लोग से अच्छा व्यवहार रखिए, समझा के। ये लोग सोच रहा है कि इनको नहीं मिलेगा, इन लोगों का सोचना गलत है। जितनी भी आदमी को कूपन हाथ में है, उन सबको कपड़ा मिलेगा, खाना मिलेगा। उसके बावजूद आप लोग का अंदर से तीन आदमी आया है, बाहर में खड़े हैं, रास्ते में खड़े हैं और चेयर में भी बैठे हुए हैं। सबसे अनुरोध किया जा रहा है, आप लोग आस्ते आस्ते करके लाइन पे आइए और आप लोग इस तरह कूपन में सामान लेके दाहिने तरफ चला जाइए। थोड़ा सा सहयोग कर रही हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं, कुछ कपड़े, कुछ खाना देने का। एक सुजोग मेरे हस्बैंड जो CCI के डायरेक्टर हैं, उनका CSR में से उन्होंने ये फंड दिया और ये जितना भी हो सकता है हम लोग आगे भी करते जाएंगे अपने इन रिक्शा भाइयों के लिए। आज आप देख रहे हैं इतनी भीड़ है और सबसे ज़्यादा सहयोग दीदी का है, सुनीता देवी का और संजय दत्त ज़्यादा का, जिन्होंने मेरे इतना हेल्प किया। उनके हेल्प के बगैर मैं ये काम कर नहीं सकती। आज इनके मैं कृतज्ञ हूँ कि इन्होंने मेरा हेल्प किया और मैं इन भाइयों को कुछ मदद कर पा रही हूँ। ये सामाजिक कार्य लाइन लगाकर आस्ते आस्ते खड़ी दोपहर में देखी थी भाई, रिक्शा वाले भाइयों से ऐसे ही निकल गया भाई, चप्पल नहीं है। संपूर्ण भारत के अंदर में पश्चिम बंगाल में पैर चिड़चिड़ाता ये जो आज का कार्यक्रम है, मैंने कहा क्या मतलब पूजा के पहले नहीं है, आप सभी के लिए मिलता है कभी नहीं, हम लोग का कोई घर बार नहीं है। बहुत ही अद्भुत अपना रिक्शा लगाते हैं रात को सब, और बहुत ही अनुकरणीय कार्यक्रम है। कर नहीं सकती जो मेरे बस में है, एक लाइन लगाकर धीरे धीरे आ नहीं सकती, और एक एक लुंगी, एक एक गंजी, एक एक गमछा और कुछ गिफ्ट इन बच्चों को लिए। तीन टे स्पेशल कूपन एंड अनाउंसमेंट अपनी को तीन टे स्पेशल कूपन किया थी अब 5100 5100। अगर ये लोग कोई रिक्शा चलाने वाले, मुझे लगता है एक इंसान घोड़ा पर रखा है, घोड़े पर बैठ के चल रहा है। देखिए ये कलकत्ता का कल्चर है, ये हटा तो नहीं सकते, लेकिन कोशिश जरूर करेंगे कि साइकिल रिक्शा ये देखिए लाइन लगाए, मंत्री से भी थोड़ा सा रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर कुछ हो सकता है तो वो हमेशा हमारा साथ देती हैं हर काम में। आपके सामाजिक कार्य कितने दिनों से कर रहे हैं? 20 साल हो गए भाई, 20 साल से कर रही हूँ। 18 तारीख को ट्रांसजेंडर देखिए, मेरा चौथा साल है, अभी कापुरगाछी में भी करूँगा, वहाँ जगह का देख लिया, वहाँ नहीं हुआ तो नहीं करूँगा। शुरुआत कहाँ से? शुरुआत मैं कापुरगाछी रहती हूँ, मनी कला में, वहाँ से।